दो पतंगे तोड़ दी। क्या हुआ क्या हुआ? Hi guys, good morning. एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो अभी हूँ मैं आज हासी में, और यार यहाँ तो ठंडी बहुत है। अभी मैं सुबह सुबह 8 बजे उठा ना, तो काफी ज्यादा ठंडा है एज कम्पेयर टू दिल्ली। पापा जी आपको लग रहा है ठंडा है? ठंड तो बाहर मैं सुबह नीचे आ गया, मम्मी नंगे पैर, भाई ठंडी लग गई मुझे। मैं तो बाहर निकली तो गई तो तू एक बार बाहर देखा, इतनी धुंध हो पड़ी है। तो गाइस ये मिठाई आई थी शादी से, तो पापा जी और अभी इसी के साथ चाय पी रहे हैं। देखो सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय। मम्मी जी ने यहाँ पर जोत भी जगा लिया है, तो आप लोग भी दर्शन कर लो। यहाँ पे हमारे सेठ जी भी आ गए हैं। सेठ जी के पास टाइम ही नहीं होता आजकल, सारा दिन गेम खेलता है। सारा दिन का खेलता हूँ, स्कूल भी जाता हूँ, ट्यूशन भी जाता हूँ, फिर आगे खेलता। क्या बात है, स्कूल भी जाता हूँ, ट्यूशन भी जाता हूँ, फिर खेलता। बहुत बोलने लग गया तू। तो गाइस कल मैंने आते ही हृदय के डॉक्यूमेंट जो थे ना, वो सारे सबमिट करा दिए थे रात को ही। हासी में तो मैं सबको जानता हूँ, इसलिए अपना कहीं से भी काम करा लेता हूँ। तो इसलिए मैंने आते सारे डॉक्यूमेंट हृदय के सबमिट करा दिए थे, ताकि इसका पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट निकल जाए, और फिर उसके बाद हम लोग आधार कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दे। गाइस अभी जितेश लेके आया यहाँ पर दूध और कॉफी के पाउच। मम्मी जी ने बना दिया यहाँ पे मेरे लिए कॉफी गरम गरम, थैंक यू। वैसे ना मैं कभी कॉफी नहीं बनाती, अब आज सबसे पहली बार बनाई है। हाँ मम्मी जी ने पहली बार कॉफी बनाई है, मम्मी जी सीख रहे हैं कॉफी बनाना। ग्रीन टी तो बना देती हूँ, कॉफी कभी नहीं बनाई। यहाँ पर टाइम देख सकते हो 11:30 हो गया है, और अभी भी आप धूप नहीं निकली है, पूरी फॉग है। देखो ये सामने की साइड ना, देखो पीछे की साइड सारी फोग है। लेकिन मैं तो यहाँ मस्त नहा धोकर रेडी हो गया सुबह सुबह, क्योंकि कल है यहाँ पर बसंत पंचमी, तो आज इनको पतंगे भी दिलाने जाएंगे। हृदय भी काइट उड़ाएगा, तो पहली बार देखेगा वो भी कि हाँ भाई पतंग रील क्या होती है। कहाँ जा रहे हैं? काइट लेने। करूँ क्या करूँ, उठा लूँ? तभी हृदय मैं और जितेश जा रहे हैं काइट लेने। मम्मी कह रहे मैं भी जाऊंगी, मैं को ले जाओ। और ये इतना एक्साइटेड अपना दूध भी नहीं पी रहा भाई। यहाँ पे आ गया अभी काइट लेने। रोक कितनी सारी है भाई, मस्त मस्त। ऊपर देखो मंकी, हृदय ऊपर देखो, ऊपर मंकी। इधर आ जाओ मंकी है। गया मंकी गया। हृदय कौन सी काइट लेनी है? ये देखो हृदय ने क्या किया है, यहाँ पे काइट लेके तोड़ दिए। देखो तोड़ क्यों दी, उड़ाएंगे क्या हृदय? ऐसे थोड़ी उड़ेगी, देख रहे क्या उड़ा रहे हैं। ये देखो तोड़ दी यार, दो पतंगे तोड़ दी। अरे अब हृदय को नहीं देनी, अब हम घर चल के इसको उड़वा के देंगे, ठीक है हृदय? हृदय उड़ाना, कैसे उड़ा रहे हो? ये देखो सब कुछ तोड़ रहा है। तो गाइस काइट ऐसे उड़ती है देख लो। कल है बसंत पंचमी यहाँ पे, तो कल यहाँ पे बहुत सारी पतंगे उड़ाएंगे, तो अभी बहुत सारी पतंगे ले रहे हैं जितेश। देखो कितनी ले रहा है, एक दर्जन वो ना। क्या हुआ? अच्छा जाना नहीं है, घर चल के उड़ाएंगे ना नीचे काइट। ये देखो जितेश ने ले लिया यहाँ पर 12 काइट। ये देखो सारी ले ली, इतनी सारी घर उड़ाएंगे। हम ना काइट लेने गए थे, हृदय ने वहाँ पे 2-3 पतंगे तोड़ दी, वहाँ पे तोड़ दी। पैसे तो ले लिए होंगे, और क्या, पतंग वाला कह रहा मेरे पैसे तो देके जाओ भाई। तो गाइस मम्मा ना सुबह सुबह उठ के रोज योगा करते हैं, और मम्मी कह रहे हैं कि ना मैं पतली नहीं हुई हूँ। पतली होएगी कैसे, उल्टे सीधे तो हाथ मार दिया है, कैसे होएगी? ना पता है भाई योगा करनी कैसे है। मैंने यूट्यूब पे देख के करी है, यूट्यूब पे देखा है। अभी जा रहा हूँ मैं अपने लिए ब्लेजर लेने, क्योंकि मैंने ज़ारा से नहीं लिया था ना, वहाँ बहुत कॉस्टली था, तो अभी यहाँ से ले लेते हैं। हासी आए हुए हैं, तो अपना काम भी हो जाएगा और ब्लेजर भी मिल जाएगा सही रेट पे। तो गाइस अभी यहाँ तो आ गए हैं, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इसमें ब्लेजर में कुछ और कलर्स मिल जाए बढ़िया बढ़िया। ये तो अभी बिजी है, तो इतने हम ये देख लेते हैं। तो मुझे ये मस्त लग रहा है ब्लू कलर, बताना है कैसा है। तो गाइस अभी भैया के पास तो टाइम नहीं था, तो हमें भैया ने टाइम दे दिया शाम को 7:30 बजे का, तो हमें 7:30 बजे आना पड़ेगा। अब ब्लैक ब्लेजर तो लेने ही है, और वहाँ इतना महंगा यार, तो यहीं से ही ले लेंगे। और होना भी चाहिए यार, कहीं आने जाने के लिए ना ब्लैक तो होना ही चाहिए, सब चीजों के साथ चला जाता है। ये देखो भाई भट्टी की दाल होती है, और बहुत मस्त होती है खाने में, बहुत मस्त। तो पूरे घर वालों के लिए ले लिया 2-2 प्लेट। गाइस अभी मैंने सबके लिए लंच ले लिया, क्योंकि आज घर पे बहुत सारे लोग हैं ना, चाचा जी, चाची जी, नाना जी, नानी जी, तो सबके लिए खाना ले लिया, ताकि मम्मी जी को काम ना करना पड़े और सबके लिए खाना ना बनाना पड़े। पापा जी यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मिलने जा रहे हो भैया और से? मिलने जा रहा हूँ। मैं सबके लिए खाना ले आऊँ, आज पहले गरम गरम खाना खाएंगे, बैठो। तो गाइस पापा जी मिल गए मेरे को रस्ते में ही, अपने फ्रेंड्स के पास जा रहे थे मिलने। मैं खाना ले आया, पता है आपने भी बना दिए। मैं तो ये सोच के लेके आया था कि आपको बनाना ना पड़े किसी के लिए। नहीं फिर उधर चाची ऐसे रहने देती है, चावल छोले बना दिए। अब तो ले आया, अब ये खाएंगे, चलो चलो सब खा लेंगे। और तो गाइस ये देखो येरी दाल जो लेके आए हैं, येरी कड़ी। पापा जी खा लो, आ जाओ गरम गरम, आओ बैठो, तंदूर की गरम गरम रोटी है। पापा जी कैसा लग रहा है खाना? ताजा बढ़िया, इतने दिन बाद खा रहे हैं यहाँ का, है ना? बहुत दिन बाद हो गए, 2-3 महीने हो गए। मम्मी जी छोले चावल भी ले आए हैं, थोड़े से खा ले। मम्मी खिलाने में लगे रहते, खा ले थोड़े से, तो खा ले। कोई बात नहीं, फोन किया हृदय को ले आओ, और आधार कार्ड बन जाएगा हृदय का। तो मम्मी जी जाऊँ फिर मैं? और क्या, जब काम ही यही आए तो आधार कार्ड तो बनवाना ही है ना। हृदय चलो आधार कार्ड बनेगा, फिर उसके बाद घूमने चलेंगे, लेट्स गो। आधार कार्ड बन जाएगा, अब कब तक मिल जाएगा ये? 24 घंटे से लेके
90 दिन तक का टाइम होता है इसका। तो 24 घंटे में चाहिए हमें। तो गाइस भैया बता रहे हैं कि 24 घंटे से लेके ना 90 दिन तक का टाइम होता है, तो उसके बीच में कभी भी आ सकता है आधार कार्ड, कभी मतलब 2 दिन में भी, 4 दिन में भी, मैक्सिमम 1 हफ्ते में आ जाते हैं कह रहे हैं। स्माइल, हंसो हंसो, देखो कैसे हंस रहा है गाइस, कैसे हंस रहा है। तो गाइस यहाँ पे भैया ने अप्लाई कर दिया है, और सबसे बढ़िया बात बताऊं, भैया ने कोई फीस भी नहीं लिया, वहां तो 2000 रुपए मांग रहे थे, 2-3 हजार रुपए। थैंक यू सो मच। बस यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे ना कहीं पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, सिर्फ वाईफाई चल रहा है अभी घर का, और वो भी कह रहे हैं कि कल परसों में बंद हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया ना हम तो हरियाणा ही फंस जाएंगे यार। ये क्या हुआ है? देखो ग्लास तोड़ दिया। हृदय अकेला रहता है ना, दिल्ली रहता है, तो वहाँ पे शरारतें नहीं करता ज्यादा। देखो थोड़ा बहुत शरारते हर बच्चा करता है, लेकिन यहाँ बच्चों के साथ जब मिल जाता है ना इतना शरारती हो जाता है। कल अपनी उंगली दे ली थी इसने, तो पहले थोड़ी सी चोट लग गई थी, आज ग्लास तोड़ दिया। बताओ आपने ग्लास क्यों तोड़ा है? नहीं तोड़ा। आपने ग्लास नहीं तोड़ा, तो किसने तोड़ा है? झूठा कह रहा, झूठा। देखो खुद ही ग्लास तोड़ के कह रहा झूठा। और गाइस मेरे को ना इस रूम के लिए लेके आना है एक डबल बेड, क्योंकि यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ पर बेड की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग हरियाणा में फंस गए ना, तो मैं कल जाके भाई बेड ले आऊंगा और मस्त इस रूम को डेकोरेट कर दूंगा, क्योंकि फिर आना जाना भी लगा ही रहता है ना, तो इसलिए इस रूम की जरूरत पड़ती है। और गाइस जो लोग पुराने उनको पता होगा कि ये मेरा हासी वाला ऑफिस होता था, यहाँ पे बैठ के मस्त लैपटॉप एडिटिंग वगैरह करता था, तो इसको भी ऑर्गेनाइज कर देंगे थोड़ा अच्छे तरीके से। अभी जा रहा हूँ मैं हरीदे के लिए जैकेट लेने, क्योंकि हम लोग ना कपड़े उठा के लाए नहीं थे। मुझे तो बस ये था एक दिन में इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के आधार कार्ड के लिए अप्लाई करके वापस आ जाएंगे, लेकिन अब क्या पता था यार फंस जाएंगे। अब कैसे होगा फिर? अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, यही रहना पड़ेगा। अब जब तक बॉर्डर नहीं खुलते तो कैसे जाओगे? तो कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं होएगा, इधर उधर से रस्ते होएंगे। मम्मी रस्ते अभी थोड़ी निकलेंगे, अभी तो एक दिन हुआ है ना, 2-4-5 दिन में देखेंगे कोई रास्ता खुलेगा तो चलेंगे। तो तभी कह रहा हूँ मैं कपड़े वपड़े लेता हूँ हृदय के लिए। इसके लिए मैं इतने तो लेने आई थी, अब एक दिन के लिए जो आए थे। भाई ये क्या लेके आ रहे हो? स्पीकर क्यों? तो बसंत पंचमी में स्पीकर बजाएंगे। ये जितेश देखो गाइस स्पीकर लेके आ गया है, कह रहा बसंत पंचमी पे कल डीजे बजाएंगे। देखो मैं इसलिए लेने आया हूँ जैकेट, क्योंकि ना ये देखो ये कितनी गंदी हो रखी है। देखो तो यहाँ पर जैकेट तो बहुत सारी हैं, लेकिन ना मैं ये कलर ले लेता हूँ, क्योंकि ये गंदा भी नहीं होगा जल्दी, व्हाइट भी नहीं है इसमें। पापा लाया हृदय के लिए नोनी जैकेट, मुझे नहीं डालनी, एक बार डाल के दिखा दो बस पापा जी को। सुंदर सुंदर बाबू, ये तो मेरा हीरो बेटा बन गया। इसके लिए तो कपड़े लेने जरूरी थे? नहीं कपड़े तो ले आया, कोई बात नहीं, कलर सही है थोड़ा, मस्त है, मैला नहीं होगा ना ये मैला नहीं होगा। ये चीज नहीं तो मैल ही कर लेते। हाँ तभी तनु देखो यहाँ पे हृदय को पढ़ा रही है। F4 वेरी गुड। अच्छा सिखाऊंगा। मम्मी जी यहाँ मैंने व्लॉग तो एडिट कर लिया है पूरा, लेकिन मेरे को अभी ये नहीं पता कि व्लॉग डाल पाऊंगा कि नहीं डाल पाऊंगा, कह रहे वाईफाई भी बंद हो सकता है। तो गाइस मैंने व्लॉग तो एडिट कर लिया है, लेकिन अब मेरे को कल का नहीं पता, अगर कल वाईफाई नहीं चला ना तो मैं व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पाऊंगा। तो आज का व्लॉग तो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर देखते हैं कल का कल क्या होता है। बाकी कमेंट करके बता देना आप लोगों को हरियाणा में कैसा लग रहा है, और हरियाणा के लोग तो व्लॉग देख ही नहीं पा रहे, तो जो लोग हरियाणा के लोग नहीं देख पा रहे ना भाई, वो 2-3 दिन बाद सारे व्लॉग इकट्ठे देख लेना, 4-5 दिन के जब भी इंटरनेट ऑन होगा ना, 5-6 दिन के सारे व्लॉग इकट्ठे देख लेना, मैंने मस्त मस्त व्लॉग डाले हैं। बाकी आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। अभी जा रहा हूँ मैं हृदय के लिए जैकेट लेने, क्योंकि यार